दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान ने क्या खूब कहर ढा रखा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी की सरकार ने गजब का छूट दे रखा है वहां के भगवाधारी संगठनों को। वो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हैं कि तेलंगाना में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसका ताल्लुक आरएसएस से है, इसका ताल्लुक आरएसएस बैकग्राउंड से है, जिसका बैकग्राउंड ही आरएसएस से रहा है। और ऐसे व्यक्ति को जब से मुख्यमंत्री बना दिया है राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान ने, राहुल बाबा ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तब से वहां मौजूद अंधभक्तों की तो लॉटरी लग गई। लेकिन तेलंगाना के मेडक जिले में जिस तरह से बीते 24 घंटे के अंदर हालात बदले हैं, उसने इस बात को साफ कर दिया है कि तेलंगाना ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में अगर दंगा फसाद होता है तो उसमें किसी लोकल आदमी का हाथ नहीं होता है, बल्कि पूरी तरीके से सत्ता समर्थित पुलिस, कानून, प्रशासन, खुद हुकूमत, सरकार, सबकी अपनी मनमर्जी शामिल होती है और सबकी मर्जी के मुताबिक ही ये काम प्री प्लान तरीके से किया जाता है। अब सोचिए कि बकरीद से ठीक एक दिन पहले का वक्त है और उस वक्त के दौरान आप गाय को लेकर के हंगामा मचाना शुरू कर दें तो आपकी नियत पर सवाल उठाया जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि गाय के ट्रांसपोर्ट करने पर वहां भाजपा के लोगों ने हंगामा मचा दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। वहां ट्रांसपोर्ट को लेकर के मामला नहीं है, जिस तरह से सत्ता प्रशासन के जरिए या मीडिया के जरिए जो बातें फैलाई जा रही है, वहां बात कुछ और है। वहां टोटल मकसद यही है कि बकरीद के त्योहार को किस तरीके से एकदम चौपट कर दिया जाए, परेशान कर दिया जाए, ताकि पूरे जो है तेलंगाना में धारा 144 नाफिज कर दी जाए। अभी तो 144 जो है वो लागू किया गया, 144 लागू किया गया है मेडक जिले में, लेकिन अगर हालात बदलते हैं या दूर तक हिंसा फैलती है तो इसके अंजाम बहुत दूर तक जाएंगे और दूसरे जिलों तक फैलेंगे। हैदराबाद से सदुद्दीन ओवैसी ने बकायदा वहां के डीजीपी, वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और माहौल को ठीक करने के लिए उन लोगों पर प्रेशर डाला है कि भाई कैसे भी करके इसको सही करिए, क्योंकि तुरंत ही नेक्स्ट डे बकरीद का त्यौहार है और बकरीद के मौके पर अगर कुर्बानी को लेकर के अगर बवाल होता है गेरुआ संगठनों के जरिए, भगवा संगठनों के जरिए, जो कट्टरपंथी संगठन है, जो नफरती चिंटू हैं, जो धर्म के नाम पर आतंक मचाने में यकीन रखते हैं, अगर उनके जरिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो फिर तो इतना होता है कि बकरीद का माहौल पूरा खराब हो जाएगा, बकरीद का पूरा त्यौहार खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने मेडक जिले में जिस तरह से बीते 24 घंटे के अंदर आतंक मचाया है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर की जा रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये सत्ता सिस्टम और हुकूमत के बिना मरबर्जी के नहीं हो रहा, सब कुछ सोची समझी, ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से एक साजिश नजर आ रही है जिसकी जांच होनी चाहिए। खासकर ऐसे वक्त में वहां जांच होनी चाहिए कि आखिर ये काम क्यों किया जा रहा बकरीद से पहले, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का क्या हाथ रहा है, इसमें हिंदू वाहिनी का क्या रोल रहा है, जिस तरह से हिंदू वाहिनी नाम के एक संगठन का वहां से नाम आ रहा है, उन हिंदू संगठनों पर कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत की दुकान पर यह सवाल उठ रहा है, ये काम अगर भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में होता तो आप सोच सकते थे। अभी तो हज कमेटी के जरिए जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर के ही तेलंगाना सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। एक बंदा, एक हाजी जो गए हुए हैं सऊदी अरब मक्का में, उनकी मौत हो जाती है, क्यों? सिर्फ लापरवाही की वजह से, और इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है तेलंगाना के हज कमेटी को, और वहां का पता नहीं कैसा हज इंतजामिया है कि उसने अपने ही देश के लोगों को बिल्कुल त्याग दिया है, छोड़ दिया है। लेकिन खैर, अगर तेलंगाना के हालात का जिक्र करें तो 144 वहां नाफिज कर दी गई है। वहां यह भी कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित जानवर को ले जाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां प्रतिबंधित जानवर क्या है। वहां गाय के जबीहे पर रोक है, गाय की हत्या पर रोक है, गाय के कत्ल पर रोक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वहां पर बैल, उस पर रोक नहीं है, सांड पर रोक नहीं है। उनको अगर जबीहा को करना है तो कुछ शर्तों के साथ आप यह काम कर सकते हैं। आप वहां शर्त के साथ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला करके, आप वेटनरी का, उसमें आप उस शर्त को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको भी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जरा आप हालात देखिए कि वहां क्या हो रहा है। वहां तोड़फोड़ हो गई, और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर इस नजारे को देख रहे हैं, ये तोड़फोड़ का माहौल है। और वहां किस तरीके से ये जो गेरुआ टोले के नफरती चिंटू हैं
वो आतंक मचा रहे हैं वो देख लीजिए। अब आप ये एक अस्पताल का सीन देखिए, अस्पताल में घुस करके किस तरह से तोड़फोड़ का काम हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले एक मदरसे में जो है जानवरों को ला करके रखा गया था ताकि उनकी जो है कुर्बानी दी जा सके, लेकिन उससे पहले ही गेरुआ संगठन के लोग आते हैं और आतंक मचाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि यहां गाय की कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन वहां गाय नहीं थी। इसके बाद मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस स्टेशन में ले जाकर के उनको बैठाया जाता है और कहा जाता है कि पहले वेटनरी सर्टिफिकेट लेकर के आओ ताकि ये हो सके कि इनकी कुर्बानी दी जा सकती है। तो लोग वेटनरी सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, उससे पहले ही पुलिस स्टेशन में जो मौजूद उनके लोग थे, मदरसे के लोग थे, उन पर अटैक कर दिया गया, उनको मार दिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। और जब उनको बुरी तरह से मारा गया तो पुलिस ही खुद उनको अस्पताल ले जाती है, और जब अस्पताल लेके जाती है तो उस अस्पताल पर भी हमला हो जाता है। ये है तेलंगाना पुलिस का हाल, और तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान का ये हाल है जहां सब कुछ होता है पुलिस के सामने। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि इस घटनाएं जो हुई हैं बकायदा मारपीट की घटनाएं, ये खुद तेलंगाना के मेंढक जिले का जो एसपी हैं उन्हीं के सामने ये घटनाएं हो गई। तब सोचिए वहां किस हद तक हालात खराब है। दूर तक तो लोग उल्टी सीधी खबरें लिख रहे हैं, मैंने कई वेबसाइटों को खंगाला और वहां जब खंगाला तो मैंने देखा कि किस तरीके से उस खबर को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि प्रतिबंधित जानवर की तस्करी की जा रही थी, उसको तस्करी से जोड़ दिया। गाड़ियों को जो बैल हैं, अगर वहां बैल गाड़ियों में रखी हुई तो बैलों की कुर्बानी पर वहां कोई रोक नहीं है, ना बैल के मांस पर कोई रोक है, ना बैल के वध पर, हत्या पर, स्लॉटर पर कोई रोक है, वहां बैल के जबीहे पर कोई रोक नहीं है। अगर बैल है, बकायदा डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी अगर रोके जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? ये परेशान करना कहा जाएगा आपको? आपकी नजर में हर कोई इसे परेशान करना माना जाएगा। और अगर इस पूरे घटना को लेकर के हम देखना चाहें कि वहां हालात क्या है, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि गाय के नाम पर जितना ये आतंक मचाया जा रहा है ऐसा वहां मामला नहीं था। इस मामले को गाय और आस्था से जोड़ करके पेश किया जा रहा है। बैल के जो मामले जो वहां पे कानून बकायदा है, कानून वहां इजाजत देती है कि आप कौन से जानवर का, किस कैटेगरी वाले जानवर का, किस मेल फीमेल का आप जबीहा कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कुर्बानी उस जानवर का आप कर सकते हैं जिसको लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वहां पे इस तरह का काम क्यों हो रहा है? लेकिन जब मैंने आज से 8-9 साल पहले की बीबीसी की रिपोर्ट देखी तो उसमें इस बात का पता चला कि वल्लाह हमारा देश में जहां बीजेपी आरएसएस को लोग गौ माता कहते हैं, उन्हीं संगठनों के सरकारों में आज ये हाल है कि गाय पर पूरी तरह से पाबंदी ही नहीं है। मतलब गाय के गोश्त पर, गाय के कत्ल पर, गाय के जबीहे पर, गाय के स्लॉटर पर बहुत से जगहों पर तो रोक ही नहीं है। बहुत से जगहों पर तो कुछ शर्तों के साथ किया गया है। तेलंगाना में तो शर्त के साथ है लेकिन गाय के कत्ल नहीं है। वहां सांड के बारे में दिखाया गया कि भाई सांड वगैरह सब आप कर सकते हैं। तो बीबीसी की यह खबर है 30 मार्च 2015, बीबीसी के पत्रकार हैं दिव्या आर्य, उनके जरिए इस खबर को लिखा गया और इस टाइटल में लिखा गया है कि 10 राज्यों में कानूनन होती है गोहत्या। और इसमें बताया गया कि जो 10 राज्य हैं उनके बारे में ये बताया गया कि जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड, भैंस को काटने, उनका गोश्त खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बाकी 18 राज्यों में गो हत्या पर पूरी तरीके से पाबंदी है या फिर कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से जो है प्रतिबंध है। अब इसमें बताया गया इस खबर में कि पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है, बैन है, वो किस जगह पर है। इसमें बताया गया कि गोहत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने यह है कि गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक है, उनकी स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। और इन 10 राज्यों का बकायदा नाम दिया गया, उसमें 11 राज्य हैं और इन 11 राज्यों का नाम बताया गया। इसमें लिखा गया कि भारत प्रशासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्य यानी दिल्ली और चंडीगढ़ में ये लागू है। यहां पर जो गौवंश है उसकी किसी भी तरह से हत्या नहीं की जा सकती और ना ही उसको वैधता दी गई है। यहां प्रतिबंधित किया गया, पूरी तरह से फुल्ली कंप्लीटली बैन है यहां पे। इसके अलावा आंशिक प्रतिबंध यानी शर्तों के साथ है, भैया बाकी कर सकते हो थोड़ा, लेकिन शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो उन शर्त वाले राज्यों में अगर आप गौर करें तो जरा देखिए कौन है आंशिक प्रतिबंध वाले राज्य। इसमें बीबीसी ने बताया है कि गोहत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने ये हैं, गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है। इसमें बीबीसी ने बताया है कि आंशिक प्रतिबंध क्या है, गोहत्या पर पूरे
प्रतिबंध के मायने ये हैं कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन बैल, सांड, भैंस को काटने और खाने की इजाजत है। इसके लिए जरूरी है कि पशु को फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। जो फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट दिखाने की बात वो मदरसा कर रहा है, मिनहाजुल कुरान शायद यही नाम है उसका तेलंगाना में, कि वो उसके पास है स्लॉटरिंग के लिए वो सर्टिफिकेट बकायदा है वेटनरी का, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पीटा गया, उनके साथ हिंसा हुई, मारपीट, उनका खून बहाया गया। और देखिए इसमें लिखा है कि सर्टिफिकेट पशु की उम्र, काम करने की क्षमता और बच्चे पैदा करने की क्षमता देख कर दिया जाता है। इन राज्यों में सजा और जुर्माने का प्रावधान जो है बिल्कुल नरम है, काफी सहूलियत दी जाती है। जेल की सजा 6 महीने से 2 साल के बीच है, जबकि जुर्माने की अधिकतम जो रकम है उसकी वो रकम है 1,000 रुपया। अब देखिए आंशिक प्रतिबंध वाले 8 राज्य, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, 4 केंद्र शासित राज्य, दादर, दमन और दीव, नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसमें गौर करिए, बिहार में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ, लेकिन वहां शर्तों के साथ आप गाय की स्लॉटरिंग कर सकते हैं, गोवंश की स्लॉटरिंग कर सकते हैं। उड़ीसा में अभी सरकार बनी है, गाय को लेकर क्या ये प्रतिबंध लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आंध्र प्रदेश में इन्हीं की सरकार मानी जाएगी, क्योंकि वहां एनडीए की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, केंद्र में भी गठबंधन और राज्य में भी इन लोगों के साथ जो है एनडीए में बीजेपी शुमार है, लेकिन वहां गाय पर कंप्लीटली बैन नहीं है। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु तो आप जानते हैं एमके स्टालिन वाला राज्य है, वहां फालतूबाजी नहीं चलती, लेकिन वहां भी शर्तों के साथ ये सब चीजें हो सकती हैं। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार रही है, लंबे समय तक रही है, बाद में सरकार गिरी है, दोबारा जब चुनाव हुए हैं तो अब जाकर के कांग्रेस आई, लेकिन ये अब कांग्रेस आई, इससे पहले कर्नाटका में किसकी सरकार थी, बीजेपी की, लेकिन अभी भी वो यहाँ मामला आ रहा है सामने, हो सकता है बीच में कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया, लेकिन ये शर्त है। गोवा में इन्हीं की सरकार है, गोवा में इनकी सरकार है, और आप देख सकते हैं कि वहां क्या हालात है, वहां बीफ पर गाय के गोश्त को लेकर के उतने कड़े शर्त नहीं है। वो राज्य जहां बिल्कुल भी गाय पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कुछ भी करो, गाय पर की कुर्बानी पर, गाय की जबीहे पर, गाय के गोश्त पर कोई रोक नहीं है। अब इनमें जरा गौर करिए, 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय को लेकर के कोई रोक टोक नहीं है। पहला केरल, केरल को आप जानते हैं वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कोई पाबंदी नहीं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गो हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां पर गाय, बछड़ा, बैल, सांड, भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। अब आप इसमें सोच लीजिए कि इसमें कितने राज्य बीजेपी वाले हैं, कितने भगवा संगठन वाले हैं, और वहां कोई प्रतिबंध क्यों नहीं। यहां पर इसमें एक बात और बताई गई है कि 8 राज्यों और लक्षद्वीप में गो हत्या पर किसी तरह का कोई कानून है ही नहीं। असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन्हीं पशुओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो प्रजनन या काम करने के काबिल ना हो। आप इस बात को इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में जानवरों को लेकर के, या फिर जानवर कोई भी हो, अगर उसको लेकर कोई आस्था वाली बात की जाती है तो ये तमाम पॉलिटिक्स है, सियासत है। जहां गाय वोट दे सकती है वहां गाय को भारतीय जनता पार्टी और इनके मातृ संगठन के लोग पूजा करते हैं, और जहां गाय के स्लॉटरिंग से, गाय के कत्ल से, गौमांस से अगर फायदा मिलता है तो फिर ये लोग गाय को भी प्रतिबंधित पशुओं की श्रेणी में नहीं डालेंगे। वहां कानून के तहत खुली छूट दी जाती है, और ये रिपोर्ट में बीबीसी के हवाले से बता रहा हूं। हो सकता है इन 7-8-9 साल के दौरान कोई एक राज्य में कोई एकाध शर्त और बढ़ गई हो, उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन ये चीजें जो खबरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं सर्टिफिकेट के तौर पर। तो आप सोच लीजिए, गाय ही एक ऐसी जानवर है जो गोबर, गौमूत्र, दूध के साथ साथ वोट भी देती है, और ये कई बार सामने आ चुका है। हरियाणा में
राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, कई जगहों पर गाय के नाम पर नाम पहचान देखकर निशाना बनाया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। नासिर जुनैद का मामला आप हाल फिलहाल में भी देख सकते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मोनू मैनेजर जैसे लोग देश के कोने कोने में पाए जाते हैं और इनके जिम्मा कोई काम नहीं होता। कई बार तो ऐसे ही लोग गौ तस्करी करते हुए पाए जाते हैं और यही लोग दिन में गौ माता कहते हैं और रात में तस्करी का काम भी करते हैं। लेकिन खैर, मैं उनके काम धंधे पर ज्यादा उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, और जिन राज्यों में खुली छूट दी गई है ये उनसे भी बड़े राष्ट्रवादी हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि जब कुर्बानी का वक्त आया तभी ऐसा क्यों हो रहा है? कुर्बानी का वक्त आ गया देश के कई राज्यों में, कई शहरों में, अब कुर्बानी को लेकर के हंगामा मचाया जाएगा। कुछ सरकार कहेगी भैया स्लाटर जो करना है ना, जबीहा जो करना है वो आप स्लाटर हाउस में करो, घर पे ना करो, जबकि ये काम घर पर होता है। कुर्बानी, जानवर कुर्बानी अपने घर पे की जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीते साल भी खबर सुनने में आई थी, इस साल भी खबर सुनने में आई है कि एक सोसाइटी में जहां एक मुस्लिम फैमिली है उसको बकरे अपने घर में नहीं ले जाने दिया गया। अपने घर में सोचिए, मतलब जो सोसाइटी बड़ी बड़ी होती हैं वहां नहीं ले जाने दिया गया। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है, कौन सी सियासत है? लेकिन तमाम बातें हम एक तरफ अगर कर दें तो यहां सवाल ये है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान आखिर कर क्या रही है, और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में आखिर इन गेरुआ संगठनों को छूट क्यों दी गई है? क्योंकि जितने भी वहां पर मेडक जिले में जो उत्पात मच रहे हैं उसके पीछे बकायदा पुलिस का हाथ बताया जा रहा है, वर्दी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो पुलिस को खुद आकर इस मामले में सफाई पेश करनी चाहिए कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। वरना देखिए, देश कानून से चलता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। और जब कानून ही दो नजरिया हो जाएगा, कानून की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा होने लगेगा, तो वर्दी पर कौन यकीन करेगा, खाकी पर कौन यकीन करेगा? मेंढक जिले में जो घायल हुए हैं हिंसा में, उनको हैदराबाद ले जाकर के इलाज कराया जा रहा है, हालत ये हो गई है। बकायदा वहां के विधायक वगैरह वो ये कह रहे हैं कि हमने जाकर के उनको देखा है, उनको हैदराबाद के लिए शिफ्ट किया है, भेजा है, उनकी खैर वाफियत पूछी है, हैदराबाद भेजा है। और हमारे जो मजलिस के सरबराह हैं, यानी उनका इशारा असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ था कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो और जल्द से जल्द वहां अमन चैन कायम हो। कैसे होगा अमन चैन की जिम्मेदारी कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। और कांग्रेस के दौर में ये काम हो रहा है, इसके लिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान किधर है पता नहीं चल रहा है। आप इतना समझ लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन जाए या एनडीए की सरकार बन जाए, इन गेरुआ संगठनों की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर असर किसी पर पड़ेगा तो जो देश का अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, जो दलित समाज है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ेगी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो भी। क्योंकि देश में जो सबसे गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उसके लिए विकास के मायने कुछ नहीं है। चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, चाहे मोदी जी की सरकार बने, चाहे राहुल गांधी की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, किसी की सरकार बने। और मुसलमान तो अपने लिए कोई सुधार वाली बात सोचता ही नहीं, वो तो यही सोचता है कि किसी भी सरकार बने हमारे हालात बदलने वाले नहीं है, हमें हमेशा एक ही तरह से टॉर्चर किया जाएगा सत्ता प्रशासन सिस्टम के जरिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में जो गाय को लेकर बवाल किया जा रहा है, और जो गाय को लेकर जो कानून है देश में उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।